बारात कंपनी जैसा कि आप देख सकते हैं फुल कलरफुल फिल्म है और रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। एक्चुअली इसको एक जॉनर में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप दिखाई है, इसमें रोमांस दिखाया है, इसमें एक्शन है, इसमें वैल्यूज़ हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ। प्यार करना मना है इसमें लिखा हुआ, लेकिन ये जब आप फिल्म प्यार करना मना इसलिए क्योंकि ये उनका काम है कि जो लोग प्यार कर रहे हैं उनको रोकना है। तो जब आप किसी के बिजनेस में अड़ंगा डालते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होगा। सो ये आपको फिल्म देखनी पड़ेगी ये पूरा जानने के लिए कि प्यार करना क्यों मना है। तो हाँ, इस बार मेरे किरदार का नाम है यास्मीन मिर्ज़ा, फिर एक मुस्लिम लड़की हूँ फिर से, और एक बहुत सिंपल सी लड़की है लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करती है। और जब वो अपने फैमिली के दायरे से निकल के बाहर जाती है और शायद प्यार करती है या नहीं करती है पता नहीं, और उसके बाद फिर क्या होता है और कहानी में कैसे ट्विस्ट आता है ये सब आपको देखना पड़ेगा फिल्म में। ये रोल मिला कैसे, किस तरह से आपको इसका? एक्चुअली मुझे जो कुणाल ने जो कास्टिंग कर रहे हैं कुणाल एम शाह, उन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया था, ऑडिशन दिया था मैंने इसका, और फिर डायरेक्टर अफजाल को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा एंड दैट्स हाउ आई गॉट द रोल। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई वेंट थ्रू द होल स्क्रिप्ट, मुझे अच्छा लगा स्क्रिप्ट, सो आई सेड ओके आई विल डू इट। वरुण शर्मा संदीपा धारकर पर काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? संदीपा के साथ काम करना बहुत मज़ा आया क्योंकि हम दोनों फिल्म में बेस्ट फ्रेंड हैं और एक्चुअली में भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहले नहीं थे। फिल्म की शूटिंग के टाइम हम पहली बार मिले और तब से लेके अब तक वी आर लाइक रियली क्लोज। मतलब हम लोग जैसे ही सेट पे आते थे तो लोग सब कहते थे तितलियाँ आ गई क्योंकि हमारे आते ही पूरा माहौल कलरफुल हो जाता था, हमारी हंसी खिलखिलाहट, वी हैव इन्जॉयड द होल शूटिंग थरली। या इन्जॉय तो खैर हमने बहुत किया, ऐसा कोई दिन नहीं था कि हम सेट पे पहुंचते थे और मज़े नहीं करते थे। मैं और संदीपा ही नहीं, मैं संदीपा, हमारे डायरेक्टर, हमारी प्रोड्यूसर अर्चना और हमारे जो ये त्रिमूर्ति हैं आप इनको देख रहे हैं, ये हम इन्हें त्रिमूर्ति बुलाते हैं, इन्होंने जो फिल्म में जान डाली है इट्स लाइक बियॉन्ड वर्ड्स टू एक्सप्लेन। हम सब बहुत मस्ती करते थे और शूटिंग सारी लखनऊ में हुई है और ठंड के टाइम में, तो आप सोच सकते हैं ठंड में खाना कितना अच्छा मिलता था, तो हमने बहुत मस्ती करी है। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ पर वहाँ पे गाजर का हलवा और जलेबी और रबड़ी, उफ, आई मीन यू कैन लाइक फील इट, या बहुत मज़ा आया। सॉरी, डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत मज़ेदार डायरेक्टर है। हाँ, इनकी ये जो फिल्म है बिल्कुल अलग है, पहली जो दो फिल्म है वो उससे थर्ड बिल्कुल अलग है, ये रोमांटिक कॉमेडी है जो कि सर ने पहली बार बनाई है। उनके साथ बहुत मज़ा इसलिए आया काम किया क्योंकि इनकी एक ख़ास बात है, कोई भी सीन हो ना उसमें वो हम सब में से किसी एक को एक्स्ट्रा डायलॉग्स दे के भेज देते थे और किसी को नहीं पता होता था कि सामने वाला वो डायलॉग बोलने वाला है, एंड वो जानबूझ के करते थे ताकि सामने वाले का रिएक्शन नेचुरली कैप्चर हो, एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट क्योंकि सब सोच रहे होते थे अब इस सीन में क्या होगा, एंड इट वॉज फन एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। हाँ, हमारे लिए भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता कि ये तो हमने रिहर्स किया था, वी डिडंट नो दिस लाइन, सो ये कहाँ से आई। सो या इट वॉज फन एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विथ, लाइक ही इज़ क्या कहते हैं ना, हर एक्टर को पर्सनली समझाना कि कैरेक्टर क्या है, उसको वो जर्नी दिखाना, एंड आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। एनी टाइम आई गेट अ चांस टू वर्क विथ हिम आई विल जस्ट जंप ऑन टू इट। सो यस, इस फिल्म में चार सॉन्ग्स हैं और चार ही बिल्कुल अलग हैं, एक कवाली है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक जो ट्रैक टाइटल ट्रैक जो आपने सुना है और एक और है जो रोमांटिक सॉन्ग है, बट सब एक दूसरे से बहुत अलग है। और या आप जैसे म्यूजिक लॉन्च होगा यू विल गेट टू हियर ऑल द सॉन्ग्स। ऑफकोर्स मेरे पास आ गए, इट्स अ कवाली एंड आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इट्स फोर सॉन्ग्स हैं, तो बहुत प्यारे सॉन्ग्स हैं, बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स हैं।
मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, पर सच में प्यारे हैं, तो आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। यू एस पी मूवी के बताइए, क्यों जाए तो जाए, क्यों ऑडियंस पिक्चर देखने यू एस पी? यू एस पी इसलिए क्योंकि आपने इसके ट्रेलर्स देखे होंगे, जो ट्रेलर देखा है आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो पहले दिखाया जा चुके हैं, लाइक बारात कंपनी, और बारात कंपनी मतलब कि जो शादियां करवाते हैं, पर यहां तो शादियां तोड़ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितना कॉन्फ्लिक्ट, कितनी मस्ती ये सब होगा। यूएसपी फिल्म की स्टोरी है, इसके एक्टर्स हैं, इसके सिचुएशंस हैं, इसके गाने हैं, इसका रोमांस है, सब कुछ ही इसकी यूएसपी है, तो आप ज़रूर देखिए, आई मीन यू कांट मिस इट। बारात कंपनी के अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हैं, देर आर टू फिल्म्स दैट आई हैव साइंड एंड आई कैन टेल यू ओनली व्हेन आई एम अलाउड टू, एंड इट विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट शूटिंग वेरी सून, तो आपको पता चल जाएगा। सर आप बिजी रहने वाले देख बोल सकते हैं? यस, मैं और बिजी रहना चाहती हूँ, बट अभी बिजी हूँ, यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। भारत कंपनी की बात करते हैं, किस तरह की मूवी है? फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, यूथ सेंट्रिक है, और दो अलग जेनरेशन्स के जो क्लैश हैं आइडियोलॉजीज़ के बारे में उसके ऊपर है। एक फुल ऑन एंटरटेनिंग फिल्म है, यू नो कॉमेडी है फिल्म में, रोमांस है, और आप पूरे एंटरटेन होके जाएंगे, पूरी फैमिली के लिए फिल्म है। यहाँ प्यार करना मना है, क्यों मना है? प्यार करना क्यों मना है वो तो आप जब फिल्म देखेंगे 28 जुलाई को तब आपको पता चलेगा, पर जो शादी है और बारात है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी फिल्म का, और प्यार के ऊपर जो यू नो क्लैश हो रहा है आइडियोलॉजीज़ का, जो दो जेनरेशन्स हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो यूथ है, उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, क्लैश है, उसकी वजह से प्यार करना मना है। यहाँ दूल्हे बंधे हुए दिख रहे हैं जी, क्या रीज़न है इसके पीछे? अरे अब सब कुछ मैं आपको बता दूंगी तो फिर आप फिल्म क्यों देखोगे? उसके लिए ये दूल्हा क्यों बंधा है और वो कट्टा लेके क्यों खड़ा है और मैं साइड में उसको ऐसे क्यों घूर रही हूँ, उन सब के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, आपने कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? एक बहुत ही आजकल की लड़की है, बहुत इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल है, मूवफट है, जो सोचती है वो बोल देती है, फेमिनिस्ट है, शी बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, और बस आजकल की जैसी लड़कियाँ होती हैं जो काम करती हैं। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, कैरेक्टर का नाम महक शर्मा है, और दिल्ली में काम करती है, दिल्ली में पढ़ाई भी करी थी उसने, लेकिन है ओरिजिनली लखनऊ से, और या दैट्स द काइंड ऑफ गर्ल शी इज। अपने रियल लाइफ से कितना रिलेट करती है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर है मेरे कैरेक्टर और मुझ में, जैसे कि मैंने कहा कि यू नो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड है, और फेमिनिस्ट है, बट ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी
यू नो कैरेक्टर्स हैं जो मैं रिलेट नहीं करती. इस मूवी को चूज़ करने के कुछ पर्टिकुलर कुछ रीज़न कुछ क्या चीज़ पसंद आया इसका? आई थिंक हर फिल्म जो मैं चूज़ करती हूँ वो स्क्रिप्ट की वजह से चूज़ करती हूँ. और इस फिल्म की जो एक्चुअली जो कहते हैं ना मेन हीरो जो है वो एक्चुअली स्क्रिप्ट है. अफजाल ने जो स्क्रिप्ट लिखी है बहुत कमाल की लिखी है. एंड ऑफकोर्स एक और रीज़न जो मेजर रीज़न था मेरी फिल्म करने का वो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं अफजाल वो थे, क्योंकि मैंने उनकी दोनों फिल्में यंगस्तान और लाल रंग दोनों देखी हैं. और दोनों यू नो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म हैं, बहुत दोनों अलग फिल्म हैं. और बेस्ट चीज़ उनकी ये मैंने नोटिस करी कि वो अपने एक्टर्स से बहुत अच्छा काम निकलवाते हैं. और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे भी बहुत यू नो डिफरेंट और अच्छा काम निकलवाएंगे. ये तो बात हुई डायरेक्टर क्या और अनुरिता मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से था? क्या कहूँ मैं अनुरिता के बारे में, बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं वो. सबने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा हुआ है और उनकी वजह से आई थिंक मेरा लेवल ऑफ एक्टिंग ऑल्सो बढ़ गया है. बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके. बहुत ही यू नो सुलझी हुई सिंपल और प्रैक्टिकल लड़की है. और जैसे कि हम यू नो फिल्म में जो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रही है और जिस तरह का रिलेशनशिप मेरा उसका ऑन स्क्रीन है वैसे ऑफ स्क्रीन भी है. तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है वो और बहुत मज़ा आया. हमने बहुत सेट पे बहुत यू नो धूम मचाया है. हम बहुत हंसते थे, बहुत मजाक करते थे. तो या हमें जितना कि मालूम पड़ा कि आप जैसे सेट पे आप दोनों आते थे तो बोलते थे कि दो तितलियां आ गई. हाँ, हमें सेट की दो तितलियाँ बुलाया जा करता था, क्योंकि जब हम आ जाते थे तो यू नो लाइव आ जाती थी सेट में, बिकॉज हमारा यू नो हंसना और ये सब बंद ही नहीं होता था. बट हाँ, तो कहते लड़कियाँ सेट की जान थी. मूवी पूरी लखनऊ में शूट हुई, देखा जाए तो कितना एंजॉय किया लखनऊ को? बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये पहली टाइम था कि मैं इतने लंबे समय तक लखनऊ में रही. वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, बहुत शूटिंग फ्रेंडली जगह है. और हमने विंटर में शूट किया है तो बहुत ठंड थी, बहुत मज़ा आया. और वहाँ का खाना खा के तो बाय गॉड अब कभी नहीं खाना, वो खाना तो कभी नहीं भूलोगे. सॉन्ग्स किस तरह के हैं मूवी में? चार सॉन्ग्स हैं फिल्म में और दो रोमांटिक है, एक कवाली है और एक टाइटल ट्रैक है. और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है, अलग अलग कंपोजर्स हैं. और टाइटल ट्रैक तो काफ़ी लोगों का अभी निकल चुका है टाइटल ट्रैक और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि बहुत ही पेपी सॉन्ग है. और या तो बहुत अच्छा म्यूज़िक है और जिस तरह की फिल्म है उसको एकदम सूट करता है गाना. मेरा फेवरेट ट्रैक जो है वो है तुम जान लो, वो अफजाल ने खुद लिखा है और एक रोमांटिक ट्रैक है. मुझे बहुत पसंद है वो. आई थिंक उसके बोल, उसका म्यूज़िक और जिस तरीके से वो फिल्माया गया है फिल्म में बहुत बहुत बेहतरीन है. और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो और क्या क्या है? जी मैं दो फिल्में और कर रही हूँ, एक पंकज कपूर के साथ कर रही हूँ और एक और बड़ी फिल्म कर रही हूँ जो अगस्त में शुरू हो रही है, जो पूरी लंदन में शूट हो रही है. वो 15 अगस्त से मैं शुरू कर रही हूँ. उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी तो वो आपको पता चल जाएगा. तो बस अभी तक तो बस दो फिल्में कर रही हूँ बस. देखिए, मैं फिल्म की कहानी के बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकूँगा, बट हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आमतौर पे जैसे रोमांटिक कॉमेडीज़ आपने देखी हैं जिसमें ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडीज़ पे हीरो हीरोइन पे फोकस रहता है, इसमें सारे जो किरदार हैं उन पे फोकस रहे. और रोमांटिक कॉमेडीज़ में अक्सर दो ही प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं और हीरो हीरोइन तो हैं ही, उनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जस्टिफाइड हैं और सब ने बहुत अच्छा काम किया है. हीरो हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी सारे किरदारों ने बहुत अच्छा काम किया. और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि इसमें ऑल अक्रॉस इंडिया से जो थिएटर ग्रुप्स हैं वहाँ से हमने एक्टर्स चुने हैं. बॉम्बे थिएटर, दिल्ली थिएटर, लखनऊ थिएटर, भोपाल थिएटर, जयपुर थिएटर, यहाँ से लोग आए हैं और सब ने मिलकर जो काम किया उसमें एक फ्रेशनेस दिख रही है, क्योंकि सब अलग अलग एक्टिंग टेक्निक्स के साथ आए हैं, सब डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थिएटर से आए हैं, तो उनका जो मिलन हुआ है वो बड़ा सुंदर हुआ है. तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग उनके बात करने के तरीके हैं, तो वो सब क्योंकि सब छोटे छोटे शहरों से अलग हिंदुस्तान से होकर आए, तो मेरे ख्याल से यही इसकी खूबी है. और जब आप देखेंगे तो एक एक कैरेक्टर जस्टिफाइड है, जैसा लिखा गया है उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कास्टिंग में भी. कुणाल एम शाह हैं उनका नाम जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें. और
देखते हैं आगे। बैंड बाजा बारात इस टाइप की मूवी तो नहीं है, उससे हटके सर ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बैंड बाजा बारात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बारातों पे फिल्में हिंदुस्तान में बनती रही हैं क्योंकि बारातों में बहुत क्या होता है कि एंटरटेनिंग होती हैं, अलग अलग चेहरे दिखते हैं, मेहमान अलग अलग तरह के आते हैं, गाना बजाना होता है, उसमें म्यूज़िक होता है, तो इसकी वजह से एक बहुत पॉपुलर बैकड्रॉप है। लेकिन अभी तक बारात पे जैसे कि देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की हिट फिल्में बारात के बैकड्रॉप पे बनी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं। तो इसमें भी बारात बैकड्रॉप ज़रूर है, आपको शामियाने भी दिखेंगे, घोड़ियाँ दिखेंगी, दुल्हन दिखेगी, दूल्हा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस बैंड बाजा बारात जी लखनऊ से है और लखनऊ में हमने पूरा शूट किया इसे 100%। और लखनऊ की ज़बान, लखनऊ के लोग इसमें आपको देखने को मिलेंगे और मज़ा आएगा। स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज किए गए? सर स्टारकास्ट जो किरदार की ज़रूरत थी हमने उस तरह से उस हिसाब से स्टारकास्ट को फाइनल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रणवीर कुमार जी हैं और ये इंट्रोड्यूसिंग है इसमें फिल्म में ये, और बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमने इनको लिया और ये सोच के कि क्योंकि इनको इनकी ज़बान पे बहुत अच्छी पकड़ है, थिएटर बैकग्राउंड से खुद भी हैं, तो हमने इनको लिया। और फिर हमने जब वर्कशॉप के दौरान हम जब सब लोग बैठे तो हमने यही कहा कि किस तरह सारे किरदारों को इतना रियल तरीके से दिखाया जाए कि उसमें कोई फिज़िकल कॉमेडी और ये सब ना हो, बिना उसके ही लोगों को हंसाएं नॉर्मली बात करते हुए, तो जैसे हम आमतौर पर ज़िंदगी में बात करते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ लॉन्ग शॉट में कॉमेडी ही नज़र आती है, जब आप क्लोज जाते हैं तभी आपको ज़िंदगी का पता चलता है कि उसमें कितना गम है, कितना दुख है। दूर से बहुत हंसी आती है, दो लोग लड़ रहे होंगे आपको हंसेंगे, आपको हंसी आएगी दूर से। तो और कॉमेडी अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ है, किसी भी आदमी को हंसाना दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल जॉनर जो होता है वो कॉमेडी होता है। और फिर उसके अलावा जो हमने बाकी कैरेक्टर्स जो पिक किए हैं वो हमने ऐसे ही, मैंने आप जैसे बताया कि हम अलग अलग थिएटर ग्रुप्स इंडिया में जो हैं, अलग अलग एक्टिंग स्कूल्स जो हैं, वहाँ से हमने एक्टर्स को लेकर आए हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने हमारे किरदारों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसीलिए हमने उनको लिया। स्टार कास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रणवीर जी इतने मज़ेदार इंसान हैं, उनके साथ संदीपा धर और अनुरिता झा, विशाल करवल, ये सब बहुत, और मैंने इस फिल्म से दोस्त कमाए हैं। मतलब एक्टर्स तो मैं जान पहचान जो हो ही जाती है काम करने के बाद और आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन जो हमने दोस्ती कमाई है क्योंकि अब ये हो गया कि हम लोगों का घर में एक दूसरे के आना जाना हो गया है, हम साथ पार्टीज़ करते हैं, साथ घूमने जाते हैं सब लोग, तो एक बहुत ही घनिष्ठ मित्रता जिसे कहेंगे आपस में हो गई है इस फिल्म के दौरान, और मेरे ख्याल से वो फिल्म के अंदर झलकती भी है। जो एक कम्फर्ट है एक्टर्स का ये सब है वो इसी वजह से है क्योंकि वो झलक रही है। सेट पे कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय करा, बहुत एंजॉय किया। वो खेल खेल में सर फनी मोमेंट्स ऐसे होते थे, जैसे कि मैं इम्प्रोवाइज़ कराता हूँ बहुत सारे डायलॉग, तो जब भी तीन या चार कैरेक्टर्स होते थे तो मैं हमेशा ऐसा करता था कि उनमें से एक कैरेक्टर को कुछ जाके मैं डायलॉग बोलाता था जो बाकी तीनों को पता नहीं होता था, तो रियल रिएक्शन देखने के लिए कि रियल रिएक्शन कैसा आएगा। तो एकदम से जब वो किरदार वो लाइन बोलता था तो बाकी सब ऐसा रिएक्शन देते थे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो लाइन आने वाली है, बट उनको रिएक्ट तो करना है, तो वहाँ पे वो बहुत जेन्युइन रिएक्शन आता था उनका। तो एक बार नहीं कई बार हुआ हर सीन्स में, तो हर सीन में लोग घबराए रहते थे कि अब कौन सी लाइन आने वाली है जो हमें पता नहीं है। हाँ, इम्प्रोवाइज करते थे हम लोग जी पहले। सॉन्ग उसमें रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कव्वाली है, एक टाइटल ट्रैक है जो आया है, दो रोमांटिक नंबर्स हैं, और एक गाना तो ऐसा मैंने शूट करा 3 जनवरी या 4 जनवरी को, जिस दिन मैंने सुनोना संगमरमर शूट किया था 2 साल पहले, तो सेम लोकेशन पे सेम डे मैंने एक रोमांटिक नंबर और शूट करा। जिस दिन मैंने सुनोना संगमरमर शूट किया था, हमने शूट किया था ये लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में, तो वहीं पे फिर हमने दोबारा शूट किया है और बड़ा खूबसूरत शूट हुआ है वो। अब देखते हैं ये सॉन्ग्स कब तक रिलीज हो सकते हैं? अभी म्यूज़िक लॉन्च है, रखा गया है, तो अब देखिए एक गाना तो लॉन्च हो गया है, 3 गाने और बाकी, तो मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएंगे। और आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या
नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं कुछ करने वाला हूँ, जल्दी करने वाला हूँ, उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी आएगा, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उस बारे में, बट हाँ वो भी कुछ ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट है जो मैंने अभी तक नहीं करी है और मैं उसको पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से देखिए अभी आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, कोशिश यही है।